स्वागत है आपका अज्ञात दुनिया में। मित्रों, इस चैनल के साथ साथ हमारे नए मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल अज्ञात दुनिया मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल में हम आपको नई नई मोटिवेशनल कहानियां सुनाएंगे। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये तीन कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। आइए जानते हैं उन तीन कथाओं के बारे में। कथा नंबर एक, वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। कथा नंबर दो, पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1,000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वो पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1,000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वो अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। कथा नंबर तीन, धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर आए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हमारे नए मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल अज्ञात दुनिया मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब करके रख लें। जय शंकर।